2010 में शाहीन अफरीदी से भी खतरनाक बॉलर थे बाबर आजम। बाबर आजम की बॉलिंग से डरती थी पूरी इंडिया। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी बाबर आजम को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान के हालिया कप्तान बाबर आजम 12 साल पहले स्पिन गेंदबाजी में माहिर थे और उन्हें लगातार स्पिन गेंदबाजी करते हुए देखा जा सकता था दो हजार दस वर्ल्ड कप में ओपनिंग बल्लेबाज होने के साथ साथ बाबर आजम अपनी बॉलिंग का पूरा कोटा भी कंप्लीट करते थे। 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में बाबर आजम ने गेंदबाजी भी की थी। उस दौरान उन्होंने 4 ओवर में 17 रन लुटाए थे। बारिश के कारण यह मुकाबला महज 23 ओवर का ही हो सका। उस समय बाबर आजम की उम्र महज 15 साल ही थी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी। उस मुकाबले में केएल राहुल पहले ही बॉल पर बोल्ड हो गए थे। हालांकि केएल राहुल का विकेट बट ने लिया था और ये बोल्ड बिल्कुल वैसा ही था जैसा शाहीन अफरीदी ने हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप के पहले ही ओवर में किया। अंडर 19 के इस मुकाबले में भारतीय टीम को पहले ही ओवर में 2 बड़े झटके लगे। पाकिस्तान ने इस मुकाबले में आखिरी ओवर में जीत दर्ज की। अमाद आजम ने मैच फिनिशिंग पारी खेली थी। 2010 अंडर 19 टीम में अहमद शहजाद और उस्मान कादिर भी थे। उस समय भारतीय टीम का हिस्सा केएल राहुल और मयंक अग्रवाल थे, जो कि अभी भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम को अभी भी पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी करनी चाहिए या नहीं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।